गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर साइंस पीरियड एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर सेकेंड एंड द टॉपिक इज द माउथ एंड बकल कैविटी। हियर एवरी वन नो वॉट इज माउथ, ओके? सो आई विल टेल यू वॉट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी, इट इज़ द पोर्शन स्टार्ट फ्रॉम फेरनिक्स टू ओसोफेगस। ओसोफेगस मीन्स फूड पाइप, ओके? फेरनिक्स से लेके जो ओसोफेगस का पोर्शन होता है ये आपका बक्कल कैविटी कहलाता है, ओके? नाउ फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इन मतलब अंदर, जेशन मतलब डाइजेशन। अगर हम जो फूड हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है, माउथ के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। खाना खाना मतलब थ्रू माउथ के थ्रू आपका जो फूड इंटेक करते हो उसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉलर पीसेस। हम क्या करते हैं? फूड को चबाते हैं विद द टीथ, दांत की हेल्प से, ठीक है, टीथ की हेल्प से। और टीथ का काम क्या होता है? वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको ग्राइंड करके, चर्न करके, वो आपका किस में पीस च्यू करके वो आपका किस में करता है? चेंज करता है उसको स्मॉलर पीसेज में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सारे जितने भी टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, टूथ, वो आपके अलग अलग सॉकेट, गम्स होते हैं नीचे, जो आपका मस्कुलर पार्ट होता है, वो आपका उसमें एक सॉकेट बना होता है, मतलब एक एक पोजीशन होती है हर टीथ की अपनी अपनी अलग अलग। तो वही इसमें कह रहा है कि ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सब टीथ के लिए अलग अलग सॉकेट होता है गम्स में, उसी में वो अटैच्ड होते हैं। फिगर 2.3 में आपको दिखाया गया है कि दे आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनके अरेंजमेंट भी दिखाया गया है कैसे कैसे ये अरेंज होते हैं। अवर टीथ वेरी इन अपेरेंस। हमारे जो दांत होते हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं सभी, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सबका काम भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इसी के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इंसीजर आपका क्या करता है? कटिंग और बाइटिंग टीथ इसे कहा जाता है। कैनाइन क्या होता है? पर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ होता है। और आपके प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ओके? सो नाउ कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आपके क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे ऑल फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब जो इन्फेंट टाइम, मतलब जब आप न्यूबॉर्न बेबी, मतलब 8 मंथ के हो, 1 ईयर ओल्ड हो, 8 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड, तब आपके जो फर्स्ट सेट टीथ के आते हैं और वो फॉल ऑफ मतलब वो टूट जाते हैं। जब आप कब तक की एज में? 6 से 8 ईयर की एज तक पहुँचते, उस बीच में आपके दांत टूट जाते हैं, इसी को हम मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है? एंड द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और दूसरा जो सेट, मतलब ये जब मिल्क टीथ आपके टूट जाते हैं, फिर एक नया टीथ आता है, एक नया सेट आता है टीथ का, उस टीथ को हम क्या कहते हैं? उस सेकेंड सेट ऑफ टीथ को परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो लाइफ काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और वो टूट जाते हैं। कब टूटते हैं? जब आपका ओल्ड एज आता है, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। और कुछ जो होते हैं डेंटल बीमार, डेंटल मतलब टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी हो, जैसे गम्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, टीथ में कोई कीड़े लग जाए, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिसीज हो जाए, तो उससे भी आपके वो दांत परमानेंट वाले टूट जाते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। आपको अपने हाथ धुलने हैं। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आपको शीशे में देखना है, मिरर में देखना है, और अपने टीथ को काउंट करना है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। आपको इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके टीथ को फिल करना है कि कैसे कैसे शेप है, उनका साइज है, कितने टीथ हैं, वो सब आपको चेक करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कितने तरह के टीथ आपको उसमें देखने को मिलेंगे, आपको ये पता करना है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। आपको एक एप्पल का पीस लेना है या ब्रेड का पीस ले लो और उसे खा लो। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से टीथ का आप यूज़ करके उसे बाइट और कट कर रहे हो, ठीक है? किस पीस क्या कौन से टीथ का यूज़ करके उसका एक एप्पल का उस एक पीस को आप काट रहे हो। विच वन फॉर पर्सिंग एंड टेयरिंग। कौन से टीथ आप यूज़ कर रहे हो उसको
काटने और फाड़ने में। आल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और ये भी फाइंड करना है कि आपका कौन सा टीथ यूज़ करते हो चीविंग। चीविंग चीविंग मतलब होता है कि चबाना, और ग्राइंडिंग मतलब छोटे पीसेज में एकदम पाउडर फॉर्म में कर देना। तो ये कौन सा करता है? तो बाइटिंग और कटिंग के लिए आपका कौन सा टीथ होता है? इंसीजर। पर्सिंग एंड टियरिंग टीथ आपका कौन सा होता है? कैनाइन। एंड च्यूइंग और ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं आपके, वो प्री मोलर और मोलर होते हैं। सो यू हैव टू डू टेबल 2.2। ओके, अपर जॉ, लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है आपका टीथ का वो, और अपर जॉ मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है टीथ का सेट जो होता है उसे। आपको इसमें सिर्फ नंबर लिखने, कितने टीथ आपके ऊपर पे होते हैं और अपर पे होते हैं, कितने लोअर पे होते हैं, किसका कौन सा काम होता है, फिर उन्हीं को ऐड करके उनका टोटल लिखना है। नाउ आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिसका काम क्या होता है, वो सलाइवा देता है। सलाइवा एक वाटरी सब्सटेंस जो हमारे मुंह में रहता है उसे कहते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हो फूड का, फूड पे सलाइवा क्या काम करता है? लेट अस फाइंड आउट। अब आपको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 2.3, टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उनका नाम देना है। फर्स्ट वन इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आपको एक ए टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? बॉइल्ड राइस डालना, उबले हुए चावल डालने हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। आपको बॉइल्ड राइस लेना है, उसे मुंह में रख के च्यू करना है 3 to 5 मिनट्स के, उसके बाद उसे निकाल के टी स्पून में निकाल के उसे आप टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब नाउ आपको क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब ए और बी में आपको वाटर ऐड करना है 3-4 ml। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के सॉल्यूशन डालने हैं। एंड आपको तब क्या करना, ऑब्जर्व करना है, देखना है कोई चेंजेस हो रहे हैं। वाई इज देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? अब आपको चेक करना है कि अगर चेंज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये आपको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट, और आपको ये रिजल्ट अपने क्लासमेट, अपने टीचर से डिस्कस करना है जो भी आपका रिजल्ट आए। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब सलाइवा का काम क्या होता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब टेस्ट ट्यूब ए और बी अगर आप फिगर 2.4 में देखो, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है स्टार्च पे, वो आपको बताया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब ए में आपने वाटर ड्रॉप डाला, बॉइल्ड राइस डाला और आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो इट गिव्स ब्लू कलर। ये आपको ब्लू कलर दे रहा है, इट मींस इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर किसी भी स्टार्च फूड आइटम्स में डाल रहे हो आप आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसमें और ब्लू कलर देता है, तो इट मींस इट कंटेंस स्टार्च। और वही बी वाले में क्या था, आपका फूड आइटम्स को आपने च्यू करके डाला है, मतलब उसे चबा के डाला, उसे मुंह में रख के डाला है, तो सलाइवा फूड आइटम्स जो थे वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गए, और सलाइवा ने क्या किया, उस फूड आइटम जिसमें स्टार्च था उसे कन्वर्ट कर दिया शुगर में। और जब आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तब वो कोई कलर नहीं देगा। ओके, इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, इट मींस इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। सो नेक्स्ट, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गेन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब टंग क्या काम करता है, टंग जो होता है फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गेन होता है, मतलब उसमें फ्लैश होते हैं, मसल्स होते हैं, मसल्स से बने होते हैं, बोन्स नहीं होते। अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, वो क्या होते हैं, जहाँ से आपका बकल कैविटी स्टार्ट होता है वहाँ तक आप, वहाँ से आपका क्या होता है, टंग जो होता है वो अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, ये जो होते हैं सामने की तरफ से, अगर आगे की तरफ से देखोगे तो टंग एकदम फ्री होते हैं। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? अब आपको टंग का फंक्शन, क्या आपको टंग का फंक्शन पता है? इसमें आपको टंग का फंक्शन बताया जा रहा है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। फर्स्ट यूज़ क्या है, टंग का हम यूज़ करते हैं टॉक, बात करने के लिए। जब कुछ भी बोलना होता है तो हमारे टंग में मोशन होते हैं, ठीक है, तभी कोई वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स होते हैं उससे निकलते हैं, लेकिन टंग जो होता है वो भी वर्ड, वो भी वर्ड्स मतलब बोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। इसके साथ साथ ये सलाइवा जो खाना जो हम खाते हैं सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है,
जब हम उसको च्यू करते हैं मतलब ग्राइंड करते हैं, एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। और ये क्या करता है, जब हम फूड को निगलने में हेल्प करता है, स्वेलो मतलब निगलना, उसमें ये हेल्प करता है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, कि हम टंग की हेल्प से जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि अलग अलग फूड आइटम्स के टेस्ट बताते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जा रहा है कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ किस पोजिशन पर पाए जाते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू टेबल 2.2 इन योर बुक, एंड आल्सो रीड द चैप्टर। ओके थैंक यू क्लास।